ये देखिए फ्रेंड, एसएससी सीपीओ एसआई का फॉर्म निकल चुका है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीपीओ सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2017, जो फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे, फिल होने शुरू होंगे, वो 16 सितंबर 2019 से 2 या 2:30 बजे से फॉर्म शुरू हो जाएंगे भरने। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ीस क्या है, डेट क्या है, एज क्या है और रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये अब हम देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिस। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इम्पोर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन बीइंग होगा बीइंग 17 सितंबर 2019 से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है 16 अक्टूबर 2010 5 बजे तक आप इसे भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखी गई है, एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। ये फ़ीस आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चलान से कर सकते हैं। एज लिमिट रखी, एज लिमिट है 1/1/2020 तक आपकी एज मिनिमम 20 साल तक हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल तक, और एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल 3 साल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए बैचुलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रखा गया है इन्होंने, लो मोटर व्हीकल का हो चल जाएगा, हैवी के लिए तो बोला नहीं गया कि हैवी होना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए बैचुलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर आपने किसी भी बोर्ड से यूनिवर्सिटी से अगर बैचुलर डिग्री करी है, बीए, बीकॉम, बीटेक सब कर रखा है, कोई कुछ भी कर रखा है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स देखते हैं हम आपके, जेंडर है मेल, जनरल ओबीसी एंड एससी के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट जो चाहिए 85-85, ये थोड़ा गलत लिख रखा है, 85-85 नहीं, 85-90 होगा, क्योंकि 2 इंच का फुलाव चाहिए होता है, एक्सटेंड करनी होती है अपनी चेस्ट। रेस 100 मीटर 16 सेकंड के अंदर, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर यानी कि लगभग 12 फीट के आसपास, और 1.2 मीटर लगभग 4 फीट के आसपास आपको इसमें हाई जंप करनी पड़ेगी। शॉर्ट पुट 4.5 मीटर और 3 चांस आपको इसमें मिलेंगे। मेल कैंडिडेट जो हैं एसटी के, उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट रखी गई है वो 77 से 82 चेस्ट रखी गई है सेंटीमीटर में, और इनके लिए भी वही रेस टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट और चांस सेम ही है। फीमेल कैंडिडेट जो हैं जनरल ओबीसी एससी के लिए, उनके लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है, और इनकी जो रेस है वो 100 मीटर ही है, लेकिन इनकी 18 सेकंड है, 2.7 मीटर इनकी लॉन्ग जंप है यानी कि लगभग 9 या 10 फीट के आसपास, और हाई जंप इनकी है 0.9 मीटर यानी कि आप मान के चलिए 3 फीट के आसपास, और इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल ऑफ एसटी कैंडिडेट के लिए 154 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और जो रेस टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप और चांस है वो फीमेल कैटेगरी ऑफ अदर कैटेगरी के जैसा ही है। हम इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं अभी एक बार ज़रा। यहाँ पे हमने इसका सिलेबस देख लिया, ये सिलेबस खुलेगा। पेपर जो होगा वो 2 पेपर होंगे, पहला पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट होंगे, जो 4 सब्जेक्ट होंगे वो 50-50 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा आपका। उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, क्वालिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 50-50 नंबर के होंगे, और ये जो पेपर लिए जाएंगे ये 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लिए जाएंगे, ये पहले ही आपको बता दिया जा चुका है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन का होगा, वो 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए।